7 मई को होने वाले मतदान के लिए शासन प्रशासन सहित अन्य संस्थाएं भी खुलकर सामने आ रही है। इसी कड़ी में हिंदू युवा मंच ने भी पहले मतदान फिर खान पान का नारा बुलंद करते हुए विभिन्न स्थान पर जाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। प्रदेश के सबसे बड़े संगठन हिंदू युवा मंच के द्वारा पूरे शहर में भ्रमण करते हुए लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया, साथ ही विशाल रैली निकाली गई। रैली शहर के हृदय स्थित पुराना बस स्टैंड से निकलकर लंगूरवीर मंदिर, गांधी चौक, सराफा बाजार, इंदिरा मार्केट आदि मार्गों से भ्रमण करती हुई व्यापारियों एवं नागरिकों में मतदान करने की अपील करती नजर आई। 100% मतदान अभियान के अंतर्गत हिंदू युवा मंच छत्तीसगढ़ ने दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत आने वाली दुर्ग भिलाई, दुर्ग ग्रामीण, पाटन, अहिवारा, साजा एवं वैशाली नगर विधानसभा में तूफानी संपर्क अभियान का शुभारम्भ किया। हिंदू युवा मंच के अनुषांगिक संगठन हिंदू युवा छात्र मंच द्वारा सभी कॉलेज में संपर्क करते हुए पहली बार के वोटर्स पर विशेष ध्यान देते हुए 100% मतदान करने अपील की गई। साथ ही महिला इकाई आदि शक्ति द्वारा भी समस्त महिला समूहों समेत अन्य स्थानों पर 100% मतदान करने के लिए अपील किया गया। श्रमिक बस्तियों में श्रम शक्ति द्वारा समस्त श्रम वीरों से देश हित में 100% मतदान करने का संकल्प दिलवाया गया। वोट करने जाए, आप सब भी आपसे निवेदन है कि कृपया टाइम निकालकर वोट देने जरूर जाए। भले ही धूप है, भले ही बारिश है, लेकिन आपको थोड़ा समय लेकर के हमारे देश के लिए वोट देने जरूर जाना होगा। जय हिंद, जय भारत। मुझे सारे भारत वर्ष वासियों से यही निवेदन है कि इस बार मतदान पूरी तरीके से 100% मतदान करें। हम भी जाएंगे वोटिंग करने के लिए, आप लोग भी जाइए वोट डालने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट डालिए। सबको अपने कन्विंस भी करिए वोट डालने के लिए। गर्मी बारिश तो लगा ही रहता है, आपको जाना चाहिए वोट देने के लिए। हम भी जाएंगे, आप भी जाइए। एक स्वस्थ लोकतंत्र में हर एक सामाजिक, सांस्कृतिक, देशभक्त संगठन का कर्तव्य बनता है कि सभी को मतदान करने जागरूक करें। आपका वोट देश के लिए बहुत कीमती है, छोटे बड़े जो भी है सब मतदान जरूर कीजिए, तो अच्छा लगेगा। अपना वोट वेस्ट मत कर ले, भले किसी को भी दीजिए बट वोट दीजिए। वोट किसी को भी दीजिए बट दीजिए, वोट दीजिए, बहुत जरूरी है वोट देना और देश की भलाई। थोड़ा समय जिंदगी में आप भी निकालिए वोट के लिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप थोड़ा समय अपना वोट के लिए अवश्य जरूर दें। सब मिलके वोट करें। हिंदू युवा मंच का आह्वान, पहले मतदान फिर खान पान। लोकतंत्र का ये उत्सव भारत के हर एक नागरिक को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार देता है। इस अधिकार के लिए ही आपके पुरखों ने विश्व विजयी अंग्रेजों तक को भारत से उखाड़ फेंका था। आज लोकतंत्र के इस महापर्व पर हम सभी को ये शपथ लेना चाहिए कि 100% मतदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी मतदान करने जागरूक करें। ACN News के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।